500 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं और आज हमारे साथ हैं खुद पुष्पा जी, जो बहुत खुश है, हमने देखा बहुत अच्छा सेलिब्रेशन था। जी जी जी, खुश तो होना ही है, सब लोग हैं, सबकी खुशी आप पे निर्भर करती है। और आप इतने, मतलब 500 एपिसोड पूरे करना आज के समय में बहुत छोटी बात नहीं है, मतलब बहुत बड़ी बात है मैं तो कहूँगी, क्योंकि लोगों के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, उसके बावजूद भी हमारे शो को उन्होंने इतना प्यार दिया, तो खुश तो होना लाजमी है। तो और सबकी जिम्मेदारी भी होती है, तो खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। थैंक यू। सबसे पहले जितने भी पुष्पा इम्पॉसिबल के दर्शक हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि 500 पूरे करा दिया आपने। सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड कांग्रेचुलेशन मेरा टेंशन संभालने के लिए। आज क्या है, पार्टी हो रही है? आज क्या है, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं मिस्टर जेडी सर, उनके कोई जानने वाले, उनके कोई गुरु थे, वो गुजर गए थे इस हफ्ते, उनके पिताजी भी कुछ दिन पहले गए थे। सो इस कारण से हम लोग सेलिब्रेशन मतलब ऐसी पार्टी नहीं कर पाए, लेकिन केक कटिंग आपने देखा हमने की है और सबको एक्नॉलेज किया गया है। सर ने एक एक व्यक्ति को, किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको उनका ड्यू दिया है, सम्मान दिया है, तो आज हमने वो किया है। पार्टी भी हम जल्द ही करेंगे। ये चीज़ मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी कि सबको, जो स्पॉट से लेकर बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा जो है, सबको आज बुला के और उनके बारे में बताया गया है, तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा था। और जेडी, मुझे लगता है कि हमेशा ये करते हैं। बिल्कुल, अरे जेडी सर, मैंने जैसे बोला अभी माइक पे भी, मैंने बहुत ज़ोर से बोला कि इज़ अ मैन ऑफ ऑनर, मैन ऑफ मॉरल्स, एथिक्स, एंड इज़ अ फैंटास्टिक प्रोड्यूसर हु थिंक्स विद हिज हार्ट। ऐसे प्रोड्यूसर मिलते नहीं जो दिल से सोचते हैं, मतलब सर कभी कभी अपने काम को भी एक बैक सीट दे देते हैं और किसी की अच्छाई को सम्मान दे देते हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, आज नहीं होता है ऐसे। सो इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन। देखिए, मैं तो समझती हूँ 500 एपिसोड पूरे कर देना आज के समय में, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, उससे आप समझ आएंगे। दूसरा, हमारी TRP कंसिस्टेंट रही है, मतलब हमारी TRP कभी भी कम नहीं हुई, हमेशा कंसिस्टेंट रही है। और टाइम स्पेंड, जो एक सीरियल की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, वो होता है उसका टाइम स्पेंड, मतलब 30 मिनट का अगर आपका एपिसोड आता है तो उसमें से कितना मिनट आपका एपिसोड देखा गया है। इस वक्त हम हैं पुष्पा के सेट पर, जहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा सेलिब्रेशन हुआ है, और मेरे साथ हैं बापोत्रा, जो ऑफकोर्स आज घुल मिल के एक साथ बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया आप लोगों ने, क्योंकि ये तो ऑफ स्क्रीन 500 एपिसोड का था। बहुत खुश हैं हम लोग, और बहुत ही बहुत ज़्यादा खुश इसलिए क्योंकि पता ही नहीं चला, मतलब 1.5 साल में कब हमने शुरू किया और 500 एपिसोड तक पहुँच गए। और जो वातावरण है, मेनली यू नो इट्स इलेक्ट्रीफाइंग एंड वेरी पॉजिटिव एंड वेरी कंफर्टेबल, सो बहुत मज़ा आया। और आज हमने देखा कि जो कैमरे के सामने है वो, जो कैमरे के पीछे है वो, सबको याद किया गया, सबका इंट्रोडक्शन किया गया, तो ये बहुत अच्छा लगा। ये हमारे प्रोड्यूसर JD की महानता है, ही इज़ अ नाइस सोल, मतलब वो किसी को भूलता नहीं, जिनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, छोटे से लेके स्पॉट बॉय से लेके हमारी पुष्पा, किसी को भी वो क्रेडिट देने से चूकते नहीं है। आई इट्स अ बिग थिंग। अगर बापोद्रा के स्टाइल में इस 500 एपिसोड के लिए कुछ बोलना होगा तो किस तरह से आप बोलेंगे, बापोद्रा वाले स्टाइल? अरे बहुत बढ़िया भाई, अरे बहुत बढ़िया, सबने बहुत बढ़िया, चलो चलो मजा करो भाई, चलो चलो। आज हमारे साथ हैं जेडी जी, जो बहुत अच्छे से इन्होंने सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेशन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन छोटे में ही इतना बड़ा हो गया कि सबका दिल खुश हो गया। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। ये क्या होता है ना कि जब सेलिब्रेशन छोटा बड़ा ना, एक्चुअली अब देखिए कोई भी सेलिब्रेशन में लोग किस तरह जुड़ते हैं, किस तरह पार्टिसिपेट, उस पर बनता है। और आप टाइटैनिक फिल्म याद करिए, वो छोटे डेक पे एक गरीबों वाली पार्टी थी, और वो बड़े मिलियनर की पार्टी छोड़ के हीरोइन वहाँ आती है, एंड शी फॉल्स इन लव बिकॉज दैट लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। जिंदगी का यही है, जहाँ हो दिल से जो सेलिब्रेशन, खुशियाँ जो झलक कर साथ मिल के करते हैं ना, उसको सेलिब्रेशन बोल रहे हैं। इसलिए मैंने बड़ा इसलिए बोला ना कि आपने जिस तरह से लोगों को इंट्रोड्यूस किया और एक एक लोगों को नाम बताकर आपने किया ना, वो सबका दिल खुश हो गया। तो ये जो एक हमने सेट पे छोटू सा रखा, हमने कोई बड़ी पार्टी नहीं की, लेकिन जो वो इंट्रोडक्शन था, जो क्रेडिट आपने दिया, वो मुझे लगता है सबसे बड़ा बन गया। मैं मानता भी हूँ कि, और मैं जैसे एक करुणा ने मेरी बात बोली, मैं बिकॉज वो जानती मुझे, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मैं दिल से चलता हूँ, दिल से करता हूँ, और मेरे काम में शिद्दत से काम करता हूँ। तो मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने लोगों को, और मुझे मालूम है अगर मैं ये नहीं कर पाऊँगा ना, तो मैं कभी भी ये माहौल खड़ा नहीं कर पाऊँगा। देखो, सक्सेस फेलियर अपने हाथ में नहीं है, पर माहौल, खुशी, ये हमारी पूरी ज़िंदगी का पार्ट है, तो दिस वी हैव टू एन्जॉय। कल ये ना भी चलता, ये शो है कोई भी नहीं चलता, पर मेरी ज़िंदगी उतना वक्त है, वो दुखी में किसी की भी, मेरी यानी जो मैं मेरा उत्तरदायित्व है इनको खुश रखना। मुझे अगर ये मिला है तो मैं ऐसे नहीं लगता हूँ अरे मैं हूँ तो मैं, नहीं नहीं, मुझे ये ड्यूटी दी गई है, गॉड हैज़ बीन काइंड विथ मी टू यू नो गिव मी सच, यू नो एक मुझे ऐसा काम दिया है जिससे मैं कुछ जिंदगियाँ इम्पैक्ट कर सकूँ।
तो यहाँ करूँगा तो टीवी पे होंगी ना, अगर आप इनको खुश नहीं रख पाओगे तो लोगों को कैसे खुश रख पाओगे। तो मैं हमेशा मानता हूँ, और दूसरा ये सारे मेहनत इतनी करते हैं, रोज आते हैं 12 घंटा यहाँ करते हैं, तो मैं मानता हूँ मुझसे भी ज़्यादा हक इनका, और हमेशा पर्दे के पीछे होते हैं, तो पर्दे पे आगे आके जो उनके चेहरे पे उनका भी मन होता है, तो दे ऑल डिजर्व इट एंड वी मस्ट ऑलवेज डू दिस। आज मेरे साथ हैं बा यानी कि सरिता जी, जिनको आप आज से नहीं बल्कि मुझे लगता है कि बहुत सालों से देखते हैं। सरिता जी, सबसे पहले तो पुष्पा के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको भी इसलिए कि आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारे विषय में बोल रहे हैं, हमारे पुष्पा के विषय में। पुष्पा इम्पॉसिबल, आपने देखा ना, बिल्कुल दर्शक इतना प्यार कर रहे हैं, उसके लिए भी दर्शकों को भी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। पुष्पा के पूरे हो चुके हैं 500 एपिसोड्स और आज यहाँ पे खुशियों का माहौल है, केक कटिंग होने वाली है और बहुत कुछ प्लान है। और मेरे साथ है दिलीप जी, जो थोड़े से पुष्पा को परेशान कर रहे हैं, फिलहाल तो आई थिंक सुधर गए हैं। दिलीप जी, पुष्पा के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये 500 एपिसोड वाला एक धमाका है। हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है 500 एपिसोड, और मैं आज हूँ यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में एग्जिट भी हो गया था, लेकिन आज के दिन यहाँ पे हूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है। सब लोग, बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं जी। तो मज़े करेंगे आज। तो सेट पे जो केक कटिंग होगी वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन यूनिट का क्या होने वाला है, कुछ पार्टी शार्टी अरेंज होंगे? हाँ, तैयारियाँ तो चल रही हैं, अभी एक बार पैकअप हो जाए तो हम सब मिलेंगे, केक कटिंग होगी, उसके बाद बातें करेंगे, पार्टी करेंगे, पार्टी का तो फुल प्लान है। आपकी पार्टी किस तरह की होती है, जब आप पार्टी के लिए जाते हैं तो क्या होते हैं जयेश भाई, क्या होते हैं? मैं कुछ नहीं, बस गाने वाने, म्यूजिक, डांस, और क्या, जैसे नॉर्मल लोग पार्टी करते हैं वैसे करते हैं। आज तो फिर हमारे सामने भी डांस करना पड़ेगा, म्यूजिक बजेगा तो करेंगे, और क्या।